फाइनली मौलाना तारिक साहब ने मुझे परमिशन दे दी। परमिशन ही नहीं दी, इवन उन्होंने मुझे एक ऑडियो मैसेज भेजा और उन्होंने कहा है कि केशव, जो भी तुम कहना चाहते हो उस गुफ्तगू के बारे में वो कह सकते हो, जो भी दुनिया को बताना चाहते हो वो बता सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वो ऑडियो आपको सुना देना चाहिए, या उससे पहले, उस ऑडियो से पहले आप लोगों को पिछले वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बड़ी सारी कमेंट्स आए हैं और कमेंट्स, जाहिर सी बात है, हर वीडियो पे सारे कमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं और इस बार भी वही हुआ है। कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिन लोगों ने साफ तौर पर ये कह दिया कि मैंने ये वीडियो पैसे लेकर बनाया, मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे हैरानी हो रही है कुछ उन लोगों पे। छोड़ो, पहले ये बात बता देता हूँ कि जब मैंने एक वीडियो बनाया था करतारपुर वाला, जिसमें मैंने ये कहा था कि मैं करतारपुर तब जाऊँगा जब करतारपुर बॉर्डर फ्री हो जाएगा, तब तो मेरे हिंदू भाइयों ने बड़ा कहा था कि केशव भाई तुम ठीक कह रहे हो, और पाकिस्तान से मुझे बड़ी गालियाँ आई थी। लेकिन आज जब मैं मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ तो मुझे हिंदुस्तान से कुछ गालियाँ मिल रही हैं और पाकिस्तान से तारीफें मिल रही हैं। भाई, वीडियो देखने वालों एक बात सुन लो, तल्खी में कह रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ पे तारीफें लेने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और ना मैं गालियाँ लेने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक औरत आई थी, नहीं, एक शख्स आया था जो उन्हें गालियाँ दे रहा था, और इतनी गालियाँ दे रहा था कि वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि महाराज, एक आदमी आपके बार बार गालियाँ दे रहा है और आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि कुछ दे ही रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहा है। तो अपना हाल कुछ ऐसा ही है, अगर आप गालियाँ दे रहे हो तो देते रहिए, मुझे इन गालियों की कोई परवाह नहीं, और अगर आप तालियां दे रहे हो तो हौसला अफजाई कर रहे हो। जिसको ले करके मैं अच्छे ही काम करूंगा, बुरे नहीं करूंगा। तो बस ये था, ऑडियो जरूर सुनवा देता हूँ जो मौलाना साहब ने मुझे भेजा है, और उसके साथ साथ क्यों ना पहले कुछ लोगों के नाम बता दिए जाएं जिन लोगों ने मुझे स्पेशली कहा है कि मेरा नाम उस वीडियो में ज़रूर लेना। तो सबसे पहले कराची से रहने वाले हैं जिनका नाम है अब्दुल माजिद पराचा, ये कह रहे थे कि जनाब मेरा नाम आप ज़रूर लेना, मैं आपका आपके वीडियोस देखता हूँ और मैं मौलाना साहब का भी फ़ैन हूँ। तो ये अटक से हैं और कराची में रहते हैं, इन्होंने कहा था मेरा नाम आप ज़रूर लेना। तो अब्दुल माजिद साहब, मैंने आपका नाम ले लिया है। और उसके बाद मर्तुजा भाई उन्होंने कुछ लिखा है, वो हमेशा मेरे वेलविशर रहे हैं, ये किरावड़ वाले हैं, और जब भी कोई बात होती है तो वो अक्सर बताते हैं इस बारे में कि केशव भाई आप इसका ये होगा, केशव भाई आप इसका ये होगा। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि इस वीडियो पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप ज़रा ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत आए। तो मर्तुजा भाई, आपकी सलाह का बड़ा बड़ा शुक्रिया, लेकिन अब क्या करें, नफ़रतें तो चारों तरफ फैली हुई हैं, ये आप भी जानते हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं। इन नफ़रतों को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जन्नत में तो नहीं जाएंगे, हम लोग स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे। तो इसीलिए रोकी भाई हैं जिन्होंने लिखा है कि मौलाना तारिक जमील साहब बेस्ट इस्लामिक स्कॉलर इन द वर्ल्ड। जी, ऐसा मुझे भी पता चला है,
अच्छा मुझे लगता है कि मैं पूरे पूरे कमेंट्स ना पढूं, सिर्फ नाम ही बता दूं। और दूसरा एक कमेंट आया हुआ था जिसने ये कहा था कि मौलाना भी राजपूत हैं, तो मौलाना राजपूत हैं या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसने ये नीचे लिखा कि वो जी विस्थापित होके आए हैं, मतलब वो मुहाजिर है। तो ये मैं बता देता हूँ कि वो मुहाजिर नहीं है। मेरी भी जो मालूमात है और जो और लोगों ने मुझे बताया है वो ये बताया है कि वो मुहाजिर नहीं है, वो वहीं पले बड़े हैं और वहीं पैदा हुए हैं और वहीं उनकी सारी एजुकेशन हुई है। दूसरा सोहेब साहब हैं, इन्होंने जिक्र किया है कि मैं बहुत उत्साहित हूँ मौलाना तारिक जमील साहब का वीडियो और ऑडियो सुनने का। जी मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और मुझे खुशी है कि वो परमिशन हमें मिल चुकी है। रियाज साहब केशु भाई बड़ी खुशी हुई ये समाचार सुन के। जी एंड कुछ लोगों ने और लिखा है कि मैंने पिछले वीडियो में ये कहा है कि मुझे पता था कि वो मेरे वीडियोस देखते हैं, और मैंने ये बात किसी वीडियो में बताई थी। तो ये बिल्कुल मैंने ये एक वीडियो में बताया था कि मैं जानता हूँ कि मौलाना मेरे वीडियोस देखते हैं। एंड अनवार भाई हैं, अनवार खान जो राजलपुरा से है, इन्होंने भी कहा है कि हाँ इनका मैसेज कुछ अलग है। मैं लेकिन सारे मैसेजेस अब नहीं पढ़ूंगा। जहीर हुसैन साहब हैं, दिनेश गोयल साहब हैं, ये भिवानी से ही हैं, इनके साथ मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ। नदीम अख्तर साहब हैं और मोहम्मद यूनुस साहब हैं और हुसनैन साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं किस किस का नाम लूँ और किसका छोड़ूं? आप सब लोग नाराज होंगे, आप सब लोग खफा होंगे कि यशो ने बहुत थोड़े लोगों के नाम लिए हैं, बाकी क्योंकि 100 से ज़्यादा कमेंट्स हैं तो मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यही बताना था कि मौलाना साहब ने मुझे जो ऑडियो भेजा है वो मैं आप लोगों को सुनवा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली सी हो जाए। जी केशव मुल्तानी भाई सलाम, मैं कनाडा के रहना हूँ। तो हमने मैं एयरपोर्ट तो बाहर निकले फोन ऑन किया है, तो थोड़ी खूबसूरत वीडियो खूबसूरत गल्ला मैं सुनिया, मेरा बड़ा दिल खुश होया। तुसी मेरी जेर जबर हर शह दसो बंदिया, कोई लुकाने वाली गल ही कोई नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिता तो मैं वीडियो कॉल भी कर सा। अरे मैं कनाडा तो बड़ा लंबा 24 घंटे हो गए सफर कर लिया, खाली 3 घंटे सफर और करना है तो लंबे का लाहौरों। मेरी ऑडियो कॉल तो उन्होंने पहुंच गई है, तुसी जरूर 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 सारे दसो, तो सारे मेरा सलाम ही आखो और मोहब्बत भी और दुआवे। वस्सलाम तारिक जमील। जी मौलाना साहब थोड़ी आवाज़ मैंने मिल गई है, और ये वो ऑडियो मैं आप लोगों को सुनवा चुका हूँ जो मौलाना ने मुझे भेजा है, मौलाना साहब ने मुझे भेजा है और मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे भेजा है। तो बस बाकी अब चाहूँगा कि वो गुफ्तगू, एक लंबी गुफ्तगू आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। इस वीडियो को देख लीजिए तब तक, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि उसे मैं थोड़ा ढंग से बनाना चाहता हूँ, उसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता। बड़ा कीमती वीडियो रहेगा, यादगार गुफ्तगू रहेगी, तो इसीलिए उस वीडियो को थोड़ा ढंग से बनाना चाहता हूँ। अगेन मैं सेम कॉरिडोर यूज़ कर रहा हूँ, इसी कॉरिडोर में मैंने आपको आके बताया था कि मौलाना साहब हमारे वीडियोस देखते हैं, और इसी कॉरिडोर में आके मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मौलाना साहब की परमिशन मुझे मिल गई है। और ये कॉरिडोर मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, और आप अक्सर पूछते हैं कि ये कॉरिडोर कौन सा है, तो जो लोग जान चुके हैं उसका तो ठीक, लेकिन जो लोग अब नहीं जानते हैं या पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये मेरे शहर का कुरुक्षेत्र का खूबसूरत कॉरिडोर है, ब्रह्म सरोवर पर बना हुआ है, और इसका फ्रंट व्यू ये, मतलब डेप्थ इतनी है कि आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, खत्म ही नहीं होता है।
ये इसका फ्रंट व्यू है। और अभी आपसे मैं बाय कर रहा हूँ, रुख्सती ले रहा हूँ और फिलहाल इस वीडियो को यहीं छोड़ रहा हूँ। और जिन लोगों ने हौसला अफजाई की उनका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने तलखी वाले अंदाज में बातें की उनका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने गालियाँ दी उनका भी शुक्रिया। भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर हम लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम लड़ाइयाँ? एनीवे यही बात छोड़िए, बातें लंबी हो जाएंगी। तो शुक्रिया, बस यही बताने आया था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे परमिशन दे दी है और जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। शुक्रिया।